अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोविड रैपिड IgG IgM एंटीबॉडीज डिवाइस मेथड और रैपिड डेंगी के बारे में। डेंगी IgG IgM ये दोनों डिवाइस मेथड हैं और डिवाइस मेथड क्रोमेटोग्राफी पे ही होता है, तो हम उनकी डिवाइस निकाल लेंगे। ये इनकी डिवाइस है और सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी डिवाइस लगाने से पहले आप उसका लिटरेचर रिव्यू कर लें, क्योंकि हर डिवाइस का प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लिटरेचर रिव्यू चेंज होता है हर कंपनी के हिसाब से। कुछ टेस्ट होल ब्लड से होते हैं, कुछ टेस्ट सीरम प्लाज्मा से होते हैं, या कुछ टेस्ट दोनों से होते हैं, तो उनका जो भी प्रोसीजर होता है वो लिखा होता है लिटरेचर में। तो सबसे पहले लिटरेचर पढ़ लें हम और उसका रिव्यू कर लेंगे कोविड का और डेंगी का। सबसे पहले कोविड का हम पढ़ते हैं। कोविड का हमने लिटरेचर निकाल लिया है, अभी इसको हम खोल के इसका प्रोसीजर देखेंगे। इसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और इसका प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा कि इसको कहाँ स्टोर करना है, 2 to 30 सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर करना है और इसकी एक्सपायरी डेट और इसका सारा प्रोटोकॉल आपको इस लिटरेचर में मिल जाएगा। अभी लिटरेचर में आप देखें इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, होल ब्लड से भी आप इसको कर सकते हैं और सीरम या प्लाज्मा से भी आप इसको कर सकते हैं, दोनों के प्रोसीजर लिखे हुए हैं। तो हम सीरम प्लाज्मा के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 10 माइक्रोलीटर सीरम प्लाज्मा और 2 ड्रॉप ऑफ बफर लगाने हैं हमें, और उसके बाद हमें 10 मिनट का वेट करना है और उसके 10 मिनट के बाद हमें रिज़ल्ट रीड करना है। तो चलें इसको फॉलो करते हैं सीरम प्लाज्मा के थ्रू। आप इसके पैकेट को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे बफर भी मिलेगा। आप जैसे इस बॉक्स को खोलेंगे आपको यहाँ पे बफर भी मिलेगा और आपको ये स्टिक भी मिलेगी। जिसमें ये निशान है ये सिर्फ 10 माइक्रोलीटर उठाएगी इस निशान तक। देखिए स्टिक में मैंने सीरम निकाल दिया है जहाँ तक रुकायर था और इसको अभी हम यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल साइड पे। सीरम यहाँ पे आ गया, अभी हम बफर के 2 ड्रॉप इस पर गिराएंगे। ताकि दोनों सीरम और बफर एक साथ मूव करें तो रिएक्शन अच्छा होगा। देखिए रिएक्शन की मूवमेंट हो गई है, शुरू हो गई। अभी हम स्टॉपवॉच को चला देते हैं, 15 मिनट के बाद इसका रिज़ल्ट नोट करेंगे। दोस्तों कोविड का हमारा टाइम चल रहा है और अभी हम इसको डेंगी की एंटीबॉडी को देखते हैं और इसका अब लिटरेचर पढ़ते हैं कि इसमें क्या प्रोटोकॉल इसका लिखा हुआ है। इसके लिटरेचर भी देखें, इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, समरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट का प्रिंसिपल लिखा हुआ है और रिएजेंट प्रिपरेशन स्टोरेज की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि 2 to 30 सेंटीग्रेड तक हमें इसको रखना है और स्पेसिमेन कलेक्शन और हैंडलिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल नज़र आएगा। ये नीचे आप देखेंगे ये आपको होल ब्लड का प्रोटोकॉल लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ सीरम का प्रोटोकॉल नज़र आ रहा है। तो हम सीरम वाले प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। 5 माइक्रोलीटर सीरम उठाना है और उसमें 3 ड्रॉप बफर के लगाने हैं और 20 से 25 मिनट का वेट करके उसके बाद हमें रिज़ल्ट नोट करना है। चलिए अब हम परफॉर्मिंग करते हैं और उसके बाद फिर हमने इसको खोला तो यहाँ पे भी हमें ये छोटे पाइपेट मिले, क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटी है 10 माइक्रोलीटर, इसलिए यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है ब्लैक कलर का, आप देख सकते हैं। और इसके थ्रू हम यहाँ तक ही 10 माइक्रोलीटर उठाएंगे सीरम। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 इसमें डार्ट्स हैं, S फॉर सीरम है और B फॉर बफर इनिशियल में।
देखिए मैंने यहाँ तक, जहाँ तक निशान है वहाँ तक मैंने सीरम उठा लिया है और सीरम को मैं यहाँ पे पोर करूँगा। कर लिया। अब यहाँ 3 ड्रॉप बफर के लगाने हैं मुझे, 1, 2 एंड 3। 20 से 25 मिनट हम इसका वेट करेंगे। वेट करने के बाद देख सकते हैं आप रिएक्शन जा रहा है। 20 से 25 मिनट वेट करने के बाद अभी हम इसका रिजल्ट नोट करेंगे। टाइमर हमारा चल रहा है। सकते हैं दोस्तों इसको 20 मिनट तक रखना था और 23 मिनट्स हो गए। आप इनको रिजल्ट देखें, बिल्कुल ये नेगेटिव है। IgG और IgM एंटीबॉडीज़ हैं, इनको हमें डिटेक्ट करना था। अगर ये कंट्रोल पे लाना ये, और अगर G पे आती तो IgG पॉजिटिव होता और M पे आती तो M पॉजिटिव होता। अगर दोनों पे पॉजिटिव आती तो हम दोनों को पॉजिटिव देते। इसी तरह डेंगी पे अभी पॉजिटिव आ रही है एक लाइन M पे, लेकिन इसका टाइम रहता है अभी, तो अभी हम इसको रखेंगे टाइम पूरा होने तक, उसके बाद इसको नोट करेंगे। ये डेंगी को हम देखें तो इसकी IgM पॉजिटिव आ रहा है, वीक पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव ज़रूर है। सो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे। बाकी जो हमने कोविड की एंटीबॉडीज़ की डिवाइस लगाई थी उनमें ऐसी कोई लाइन नहीं आई, ना M पे और ना G पे, सिर्फ कंट्रोल पे आई है, तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे।